लॉकेट जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी, आप लोग खुद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट के भीतर जिस तरह की सुनवाई हो रही है उससे इंसाफ की उम्मीद जगती है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बीजेपी के ऊपर इस मसले को लेकर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। लॉकेट जी, देखिए, इतना दिन हो गया है, हमारा एक ही मुद्दा है, वी वांट जस्टिस। लेकिन हम लोग बार बार देख रहे हैं, ममता बनर्जी खुद उस दिन जो रास्ते में ऊपर आए थे और उन्होंने भी फांसी मांगा, और उन्होंने पहले मंच से घोषणा की कि ये बाम राम का खेल है, राजनीति ममता बनर्जी लेके आया, और हम लोग जो एक्चुअल मुद्दा है उससे हम लोग को घुमाने का कोशिश चल रहा है। और हम लोग देखे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कपिल सिब्बल कांग्रेस से और टीएमसी एक साथ होके, इंडिया गठबंधन एक साथ होके, अगर विचार किसी को ना मिले, जस्टिस ना मिले, इसके कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल पुलिस को बचाने के लिए, तृणमूल सरकार को बचाने के लिए ये लोग, कांग्रेस टीएमसी सब लोग एक साथ हो गया है। और बहुत शर्म की बात है कि इतना दिन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोलकाता पुलिस के ऊपर भी बहुत ही मतलब नाराज है, डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने बहुत सारा सबूत जो था उसको मिटाने का कोशिश किया, और सीबीआई को जो उचित तथ्य उसको देने का था वो भी नहीं दिया। सीबीआई ने भी इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है, लेकिन टीएमसी भी सवाल कर रही है कि सीबीआई की जांच अब तक कहां तक पहुंची है। इस सवाल का जवाब लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तौसीफ अहमद खान जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के भीतर बंगाल पुलिस की जिस तरह से फजीहत हो रही है, शर्म तो आती होगी, इतना बड़ा ये मामला, और शुरुआत में ही कह दिया गया कि वाम और राम का काम है, और उन लोगों की ओर से अस्पताल के भीतर हमला किया गया है, पुलिस की क्या भूमिका रही है, उसको लेकर आज अदालत ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे क्या सबक मिला है तौसीफ अहमद खान साहब, ममता बनर्जी की सरकार को? आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज आप उसको अनम्यूट कर लें। चित्रा जी, देखिए यहाँ पे दो मुद्दा है, एक के पीड़िता के इस फैमिली को, पीड़ित जो विक्टिम थी उनको इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ की मांग एक तरफ है, और इंसाफ का तकाजा यह है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसको जो है फांसी में चढ़ाया जाए। फांसी में चढ़ाए जाने के लिए ममता बनर्जी के पास में, जब ये कोलकाता पुलिस के पास में जब ये इन्वेस्टिगेशन था, ममता बनर्जी ने कह दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को डाल के ट्रायल कंप्लीट करके फांसी की सजा दे दी जाए। अभी ये मामला इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास में है, तो क्या सीबीआई कोर्ट में जाएगा? सीबीआई का जो कन्विक्शन है वो बहुत ही कम है, सीबीआई की कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, और सीबीआई के कोर्ट में मामला जो है झुलाया जाता है। तो पहली बात ये कि कैसे इस इंसाफ को, अभी अभी लॉकेट चैटर्जी ने अभी भी कहा वी वॉन्ट जस्टिस, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर रही कि वी वांट जस्टिस का मतलब क्या है, वो बता नहीं रही कि जस्टिस क्या है। जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को सड़क में उतर के गाली दो, जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को गोली मार देने की मांग करो, जस्टिस ये नहीं है कि ममता बनर्जी को सरकार से हटा दो। कौन गोली मार देने की मांग कर रहा है? चित्रा जी, चार दिन पहले का मामला है, कोलकाता पुलिस ने एक लेडी को अरेस्ट भी किया, उन्होंने बाजाबता खुलेआम कह दिया कि ममता बनर्जी को गोली मार दिया जाए। हाँ। जिस तरीके से उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, मानसिक रूप से लोग इस तरह के बयान, बिल्कुल आप उसको पकड़ के लेकर जाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्या बीजेपी से उसका संबंध है, आप ये कहना चाह रहे हैं तौसीफ खान जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो माहौल को बदला जा रहा है, असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि कुछ लोगों ने ममता बनर्जी को गोली मारने का काम कर दिया। आज सवाल है कि हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि सबसे पहले सीबीआई ये बताए कि शांतनु रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस को ने जिसको अरेस्ट किया था, उसके अलावा क्या और लोग इन्वॉल्व है तो कौन है, उसे सीबीआई ने अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात के शांतनु रॉय जिसको ऑलरेडी गिरफ्तार है, जिसके खिलाफ पुलिस के पास में सबूत थे और सबूत आज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को दे दिया, आपने उसको लेकर के क्या कार्रवाई की है? ट्रायल कब स्टार्ट करेंगे? क्या यह फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा? क्या सीबीआई कोर्ट में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?
फांसी कब दिया जाएगा, तो यह है इंसाफ सीबीआई का को इस तकाजा। बारे में सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित किया जाएगा तौसीफ अहमद खान जी, लेकिन राज्य सरकार की जो भूमिका रही आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है आपको एकदम ध्यान से सुनना चाहिए और इस पे शर्म भी करनी चाहिए कि कितना गंभीर ये मामला। नहीं नहीं आप सुनिए, आपने नहीं सुना है सुप्रीम कोर्ट की आप टिप्पणी सुनिए। सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात को 11:45 पर FIR क्यों हुआ, इसका मतलब समझते हैं आप मामले को कितना टालमटोल करने की कोशिश की गई और यहां पर किसको बचाने की कोशिश की गई। दूसरी सुनिए, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने के पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ 30 सालों में, जब खुद जज ये बोले सुप्रीम कोर्ट के कि 30 सालों में मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा है, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एक के बाद एक टिप्पणी जो उन्होंने की, आप लोगों को समझ में आती है ये बातें तौसीफ अहमद खान जी? चित्रा जी, ये सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाए ये बहुत ही लाजिब सवाल है, बहुत ही वाजिब सवाल है, और यही सवाल कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पूछे गए थे और इसका जवाब कोलकाता पुलिस के बिहाफ में स्टेट के एडवोकेट जो प्रेजेंट थे उन्होंने जवाब दिया आवर बाय आवर, हर एक घंटा का डिटेल बाय डिटेल कैसे सारा दिन में क्या हुआ। देखिए, जब ये अननेचुरल डेथ का जो केस रजिस्टर हुआ उसका वजह यह था कि कॉलेज हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं किया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज को कंप्लेन करना चाहिए था, नहीं हुआ। तो जब अननेचुरल डेथ का केस स्टार्ट हुआ, जब तक के पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको FIR रेप एंड मर्डर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। रेप एंड मर्डर में कन्वर्ट हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में, और ये सब बातें अदालत ने क्यों नहीं कही गई? अदालत की ओर से जब इतनी टिप्पणी की जा रही थी, अदालत ने तो बुलाया भी है कि अब अगली बार से एक समझदार और जिम्मेदार अधिकारी लेकर पहुंचेगा। कपिल सिब्बल से ये बातें कही गई हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं काउंसिल की सबमिशन को नहीं सुनूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर को उन्होंने बुलाया है कि एक आला अफसर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाइए, काउंसिल के मुंह से ये बात नहीं सुनूंगा, मैं कोलकाता पुलिस का आला अफसर से लॉकेट चैटर्जी को कुछ कहना चाह रही हूं, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, एक बार बताइए, ये तौसीफ जी बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ये लोग भी चाहते हैं कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वन जस्टिस। आप बताइए कि अगर पोस्टमार्टम अननेचुरल डेथ दर्ज करने से पहले अगर पोस्टमार्टम हो जाते हैं तो आप लोग अगर कैसे जस्टिस देंगे? आप लोग जो टाइम बता रहे हैं, रात में वो घटना घटी और 11 के बाद इसका FIR दर्ज हुआ, उसके पहले पोस्टमार्टम हो गया, जल्दी आप लोग ये डेड बॉडी को जला दिया, तो आप जस्टिस मांग रहे हैं तो जस्टिस कैसे देंगे? आप लोग तो जस्टिस को रोक दिया है, ममता बनर्जी ने खुद जस्टिस को रोक दिया है पूरा सिस्टम को। उस टाइम में अगर ठीक ठाक से सब कुछ हो जाता तो जस्टिस तो रोकता नहीं। एक जगह में एक साइड में आप लोग ऐसा किया कि पोस्टमार्टम से पहले आप लोग अननेचुरल डेथ दर्ज होने से पहले आप लोग पोस्टमार्टम बोल दिया, पोस्टमार्टम कर दिया है, उसके बाद आप लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया, आप लोग बोल रहे कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस का तो पूरा आप लोग खेल खत्म ही कर दिया। और अभी बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं आपका सरकार कि जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। तौसीफ जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, तथ्य नहीं मिलेगा। तौसीफ जी, डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ खड़े हैं, उनको भरोसा नहीं है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी हम सब ने देखा कैसे पुलिस वालों से ले ली गई है, ये पुलिस वालों के ऊपर बंगाल को लेकर कितना बड़ा धब्बा है। और इसी के साथ ही साथ अब तो दुर्गा पूजा भी करीब आ रहा है, जो कमेटियां वहां की बैठी हुई हैं, जो बड़े बड़े पंडाल लगाती हैं, दुर्गा माता की प्रतिमा लगाती हैं, उनको सरकार की ओर से जो पैसे दिए जा रहे हैं, कई कमेटियों ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है ये सारी चीजें तौसीफ खान साहब? चित्रा जी, आज सवाल आप ये वाजिब है कि कोलकाता पुलिस को कुछ जवाब देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और वो अफसर वहां जाकर के देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे जो लॉकेट चैटर्जी, जो वो खुद भी एक महिला और पूर्व MP भी रह चुकी है, अब महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है दूसरी तरफ, ये क्यों सवाल उठाती है? ममता बनर्जी जब कहती है कि जब इंसाफ दो और फांसी दो, तो ये उनको ड्रामा कहती है? एक महिला हो करके क्या ये ऐसी बात कह सकती है? मतलब बीजेपी अगर जो है तो वो सच है, अब बीजेपी के अलावा सारे लोग झूठ है, क्या ये बातें मानी जा सकती है? अगर CBI आपके हाथ में है, CBI बीजेपी के हाथ में है, आप पकड़िए, आप अरेस्ट करिए हर वो डॉक्टर, हर वो पुलिस ऑफिसर, हर वो नेता जिसने इस केस में कोई भी गंडगोल किया है। मैं डिमांड करता हूं, खुद ममता बनर्जी डिमांड करती है कि CBI के हाथ में केस है, आप प्लीज अरेस्ट कीजिए। घटना के 5 दिन के बाद CBI को मामला सौंपा गया
उसके पहले हमने देखा किस तरह से अस्पताल पर भीड़ पूरी वहां पर जाती है और हमले करके तोड़फोड़ करती है, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। सवाल तो कई है ना, आगे आने वाले वक्त में उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन अब विवेक श्रीवास्तव जी और शुभ्रास्ता आपका रुख करते हुए, विवेक जी सबसे पहले राम और वाम को जिम्मेदार बताया था जिस तरह का हमला हुआ था हॉस्पिटल के ऊपर ममता बनर्जी ने, लेकिन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी से क्या समझ में आता है? देखिए, हम लोगों ने, हमारी एक पॉलिटिकल लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी की सरकार के साथ, तो पॉलिटिकल लेवल पे हम कर रहे हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन यह है कि पहला मकसद चैनल्स का, एंकर्स का, मीडिया का, पॉलिटिकल पार्टीज का, एनजीओस का, सिविल राइट्स ग्रुप्स का, कोर्ट का, सीबीआई का क्या है? हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि विक्टिम को न्याय मिले, अक्यूज्ड पकड़े जाएं, अरेस्ट हों और उनको सजा मिले। हमने भरपूर लड़ाई लड़ी है तृणमूल के साथ। पहले ही दिन मोहम्मद सलीम वहां पे उतर गए फील्ड में, वृंदा करात थी, सारे लेफ्ट के सीनियर कॉमरेड्स थे, हम लोग गए अस्पताल के बाहर धरना दिया और वहां से शाम बाजार तक मार्च निकाला। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी, उसको निकाला गया, उसको पढ़ा गया, उसमें लिखा था मल्टीपल वुंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, तो इसका अर्थ निकला कि साहब एक नहीं कई अक्यूज्ड होंगे। इसमें हमने हल्ला मचाया, हमारे कर्मचारी यूनियन जो मेडिकल कॉलेजेस में है सबने समर्थन दिया, बहुत से डॉक्टर एसोसिएशन वामपंथ से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ थे, लड़ाई भरपूर लड़ी गई है। उसके बाद अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, तो अब देखिए सबसे बड़ी जो इस वक्त जो चिंता का एक विषय है वो ये भी है कि ममता बनर्जी की सरकार को तो घेरे ही घेरे, लेकिन द सीबीआई एफिशिएंटली हमें ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड पे काम करना चाहिए केंद्र सरकार के अंडर काम नहीं कर रही है। 8-9 दिन हो चुके हैं, अभी कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं है। और जैसा कि सही कहा गया कि कन्विक्शन रेट ऑफ द सीबीआई इन वेरियस केसेस अक्रॉस द नेशन वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो हम बेशक हल्ला मचाते रहे ममता बनर्जी के खिलाफ अब, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीबीआई, तो वो जल्द से जल्द एक तरीके से राय दे, ये जरूरी है। अब घेरने को तो मैं लॉकेट चटर्जी से 50 सवाल पूछ सकता हूं, महिला उत्पीड़न पे मैं योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूं, में आज जो टिप्पणी हुई है उस पर बात कर लेते हैं ना विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है आप बीजेपी से योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लीजिएगा जिस दिन आपको मौका मिलेगा, लेकिन अभी तो हम चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर किया है उस पर डिबेट करने बैठे हैं ना सर विवेक श्रीवास्तव जी। बात है, हाँ हाँ हम उसी पर डिबेट कर रहे हैं, हम उसी पर डिबेट कर रहे हैं मैडम, और इसीलिए मैंने आपको कहा। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री कौन से डिबेट में लेकर आप आ गए? नहीं, मैं कहां लेकर के आया हूं अभी, आपको समझ नहीं आ रही मैं डिबेट में क्या बोल रहा हूं क्योंकि एक महिला के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एंके के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं, महिला के इंसाफ डाउन करके हम बात कर सकते हैं, मुझे लग रहा है बेवजह आप मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं जी। आप अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं, हाँ। मैं कह रहा हूं आई कैन डाइवर्ट द टॉक टुवर्ड्स बीजेपी, आई कैन डाइवर्ट द टॉक टुवर्ड्स योगी आदित्यनाथ, आप फिर मुझे के ऊपर एक उंगली उठा रही हैं, तो मेरे पास क्या विकल्प रह जाता है जरा बताइए आप। मैंने तो नहीं लॉकेट चटर्जी को घेरा, आज ये बिल्कुल जो है एक मॉरल अपर ग्राउंड पे खड़ी होकर के हम सबके खिलाफ बोलेंगी, लेफ्ट के खिलाफ भी बोलेंगी, लॉकेट चटर्जी तृणमूल को तो घेर ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल था, आपको सवाल समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूं विवेक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल था कि आज देश की सर्वोच्च अदालत में जिस तरह की टिप्पणी हुई है पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर, उससे क्या बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? जी जी, केस डायरी, जीडी एंट्री, तमाम तरह की बातें हुई, हमें बड़ा क्लियर है कि एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि पुलिस जो है उसने वो काम नहीं करा जो उसको करना चाहिए था। 3-4 चीजों पे पुलिस फेल हुई है। सबसे पहली चीज, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सिस्टम वॉज नॉट इन प्लेस। नंबर 2, जब डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नंबर 3, एक बहुत बड़ा क्राउड अंदर चला गया और उसने जाकर के सीसीटीवी कैमराज और सर्वर्स को तोड़ा। ये सारी बातें हम हर डिबेट में कहते आए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है कि पुलिस एक बायस तरीके से अंडर प्रेशर एक्ट कर रही थी और तृणमूल कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। नहीं, नहीं, कहानी यहाँ से तो शुरू होगी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आपने बताया कि लगातार हम इसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं, 14वां 13वां दिन है इसी विषय पर, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी विषय पर डिबेट हो रही है, इससे इतर डिबेट नहीं हो रही है, इस बात को समझना होगा।